हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट एस टेबल को सीखने जा रहे हैं। फॉर्मेट एस टेबल को सीखने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम इसके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। हमें काफी सारे स्टाइल्स मिलेंगे टेबल को फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहले उसके लिए हमें एक टेबल को सिलेक्ट करना होगा, जिस भी टेबल को हम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। लाइक हम इस टेबल को फॉर्मेट देना चाहते हैं, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल ग्रुप्स में फॉर्मेट एस टेबल के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने काफी सारे स्टाइल्स आएंगे। हम जिस भी स्टाइल को अपने टेबल पे फॉर्मेट को देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम इस स्टाइल को देना चाहते हैं। जैसे ही आप स्टाइल को क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्मेट एस टेबल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ जो ये हमें रेंज दे रहा है, ये बाय डिफॉल्ट टेबल की रेंज है जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे हमें लाइन शो कर रहा है माई टेबल हैज हेडर। इसके आगे जो है वो चेक का साइन पुट है। इसका मतलब ये है कि आपके टेबल्स में जो है वो हेडर्स हैं। अगर आपके टेबल में हेडर्स नहीं है तो आप यहाँ से चेक के साइन को रिमूव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक का साइन लगाएंगे बिकॉज इस टाइम जो है हमारे टेबल्स में हेडर हैं, लाइक डेट, ईयर, टोटल इनकम, 20% कमीशन, ये सब हमारे टेबल में जो है वो हेडर्स हैं। तो हम यहाँ पे इसे चेक का साइन लगा देंगे। अब हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, जो भी स्टाइल यानी कि जो भी फॉर्मेट आपने अपने टेबल के लिए सेलेक्ट किया था, वो आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप जैसे भी अपने टेबल को स्टाइल देंगे, आप इसे एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमें एक टेबल टूल नाम से टैब क्रिएट करके देगा, जिसकी सब टैब है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब का यूज करके भी हम अपने टेबल को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगर आप अपने टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप टेबल स्टाइल्स वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, इस ग्रुप पे जाएंगे, टेबल स्टाइल ग्रुप पे, और इसके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें काफी सारे स्टाइल दिए गए हैं। आप जिस भी स्टाइल पर अपने माउस को रोल ओवर करेंगे, उसका लाइव प्रीव्यू आप साथ साथ देख सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको अपने टेबल के लिए सही लगता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम ये स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमने टेबल स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर दिया। अब हम फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई न्यू स्टाइल अप्लाई देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डिजाइन टूल के टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप में से ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल करते ही हमारे सामने न्यू टेबल क्विक स्टाइल का विंडो ओपन होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट। आप यहां से कोई भी टेबल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप जो है फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। यहां से हम होल टेबल पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, सेकंड कॉलम स्ट्रिप, आप इसको स्क्रॉल करके जो है वो देख सकते हैं। काफी सारे आपके पास टेबल एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेम में आप टेबल को नेम दे सकते हैं, जो भी आप टेबल का नाम देना चाहते हैं। फिर अगर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर हम उसे कोई कलर देना चाहते हैं तो फिल करके यहाँ हमारे सामने काफी सारे कलर्स हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसे इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो हम फिल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है काफी सारे शेडिंग स्टाइल्स, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल वेरिएंट्स जो है वो दे सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से जो है हम न्यू स्टाइल भी अपने टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम ओके कर देते हैं और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो टेबल स्टाइल आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू।